नहीं सुनना चाहते कोई भी। तो मतलब पापा माफ करना, अगर ब्लॉग देख रहे हो आप, सामान पे काटा था, खून निकल गया था। जैसे कलिका के दोस्त की गर्लफ्रेंड कौन है? है ना, मोमो से पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है डेविड लाइफ। और गाइस, आप सभी लोगों स्वागत फिर से एक नए ब्लॉग में। और गाइस, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को जय श्री राम और जय श्री हनुमान गाइस। और कम से कम दो या तीन ब्लॉग के बाद शायद मेरा चेहरा दिख रहा होगा आप लोगों, क्योंकि एक्चुअली मेरा फोन टूट चुका है और ब्लॉग नहीं शूट कर पा रहा हूँ। और मैंने लेकिन जो मेरे पास जो फ़ोन है जिससे मैं काम चला रहा हूँ अपना, मैंने उसे शूट किया है जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, इम्पैक्ट VP एंटरटेनमेंट के नाम से कंपनी मैंने ज्वाइन करी है। और मैंने कुछ टेक्स लिए हैं, मैं क्या काम करता हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या काम करता हूँ। और गुड मॉर्निंग हो रही है, सुबह सुबह हो रही है। ये क्या काम कर रही है, क्या कर रही है, ब्रश करके कहाँ जाएगी, हैं किधर जाएगी ब्रश करके, किधर जाएगी ब्रश करके, संडे छुट्टी है भाई, ब्रश व्रश नहीं है, नहाना धोना नहीं है आज भाई, नहाना धोना नहीं है, आज नहाना धोना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ आप लोग को ना, ये इसे तो जानते ही, मेरी मोमो है ना। मोमो से पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम है अन्नू, गर्लफ्रेंड थी उसका नाम है अन्नू। तो मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ, चलते हैं अंदर, वो बैठे हुए देख रहा है। ये मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनती, लेकिन मेरी फूटी किस्मत की मुझे मोमो मिल गई। अरे बूढ़ी किस्मत नहीं, मतलब बहुत अच्छी किस्मत है गाइस। अरे नहीं पता है गाइस क्या है, जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था ना इन दोनों से, ये दोनों ट्विंस थी, तो मुझे लगा कि ये मोमो है। हाँ तो मुझे लगा कि यही मोमो है, यार इतनी अच्छी है यार। नहीं मोमो भी अच्छी है यार, ऐसा कुछ नहीं है, उसके बारे में बुराई नहीं कर रहा मैं। पता चला कि आप लोग मुझे फिर नीचे दबा दो कमेंट में पीट रहे हो, मोमो भी अच्छी है, लेकिन मुझे पहले इस पर आ गया था लाइन, मेरा दिल आ गया था वाह। फिर बाद में पता चला कि नो, ये तो ऑलरेडी मिंगल है, और मैं कभी सिंगल है भाई, इसे कोई हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, कोई खाली वाली हो लो नॉन डाई एकदम। हाँ वैसे ही लड़का ढूंढ रही है। अबे मैं हूँ तो भाई, अबे मैं हूँ तो भाई, बंजारा टाइप बस चलते रहो। आपके में से कलिका के दोस्त की गर्लफ्रेंड कौन है? मैं लिख दिया दोनों। आज है संडे और आज बहुत कुछ होने वाला है, तो व्लॉग में बने रहो। और कुछ खिला दे यार, चलो कुछ खाते, क्या खाना है बता। सोच रही थी ऑनलाइन कुछ मंगा लो, लेकिन दाल चावल और लिट्टी चोखा, आलू चोखा खाएंगे, जो कि मैं मजा आता है खाने में, बना दूंगा बनाने में। और जो गाइस, अब ये इंसान देख रहे हो ना, ये इंसान इधर घूमो जरा। मोमो यार, आप मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बने? इट्स वेरी डाउटफुल, मुझे बहुत डाउट अपने आप पे। अकल पे पत्थर चढ़ा था ना, अकल पे पत्थर, पत्थर कैसे, अभी तक निकला नहीं तेरा अकल से पत्थर। नहीं, पत्थर यहाँ बैठा पड़ा है, अभी भी बैठा है। यार ये पत्थर कह रहे गाइस, मुझे बताओ मैं पत्थर हो गया इसके लिए? इतनी गलत बात बोल रही है, तो मेरी फैमिली तो ये छोड़ेगी नहीं। अब ठीक, देख ले, जो जिसके साथ होता ना वो ही जान सकता है, बाकी लोग अंदाजा लगा सकते हैं, तुम कैसे? तो गाइस आप लोग अंदाजा लगाओ कि मैं इसकी किस्मत में पत्थर हूँ। यार इतना अच्छा लड़का नहीं संभाल पाती गाइस, बताओ यार क्या चीज की कमी है मेरे पास यार। मेहनत भी मैं करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ, उसके बाद ही मेरे को ऐसे ताने देती है तू यार। क्यों, क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा, क्या खाया है मैंने तेरा, हैं बोलना। नहीं ऐसे यार, मोमो बहुत प्यारी है यार, ये बहुत कोऑपरेट करती है मेरे लिए, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कोऑपरेट करती है और हमेशा कहीं भी खड़ जाती है मेरे लिए। अगर मैं बोल दूँ ना कि तेरे को थस्से कूद रहा है मेरे लिए, कूद जाएगी, मुझे इतना भरोसा है इसके ऊपर, कसम से कह रहा हूँ। तूने मेरे मारा था, तेरे को दर्द इसको हो रहा है, मेरी गलती नहीं, इसने मेरे को मारा, दर्द इसको हो रहा था, गलती मेरी नहीं, गलती इसकी, इसने मेरे को मारा था। और इसने कल मेरे कान पे काटा था, खून निकल गया था कान से, दर्द हो रहा है, मैं मत छेड़ उसे।
अब ठीक हो गया है, सूझा नहीं, रात को घिस दिया था ना ऐसा। तो गाइस अभी बहुत कुछ होने वाला है, संडे है आज और तुम्हारा भाई व्लॉगिंग में है, तो आज पूरा व्लॉग देखना मिस मत करना। और हम लोग जल्दी जाने वाले हैं निशु की शादी में, मिस्टर एंड मिस्टर की होम टाउन बिहार, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा फन करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए व्लॉग में बने रहो, और मेरे घर पे भी काफ़ी सारे डेकोरेट करना है हम लोगों को, धीरे धीरे हम कर रहे हैं, जब एक बार हम प्रॉपर वो हो जाएगा तो हम आपको वो भी दिखा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देने का, इसके हिसाब सब लोगों के प्यार की ज़रूरत है। और बने रहो व्लॉग में, आज संडे मंडे कल है, हमारे घर में सफाई स्टार्ट हो चुकी है। तो डेविड कुछ कपड़े ये रह गए थे, मतलब गंदे हो गए थे तो वो ले आए थे, तो मैं वॉशिंग मशीन में डेविड के कपड़े वॉश कर रही हूँ, फिर अन्नू का बैग भी इसी में वॉश कर देंगे, थोड़ा टाइमर बढ़ा देते हैं। और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ सब लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि घर में सब लोग एक 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 काम कर रहे हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। अन्नू वहाँ पर है, पौधों को पानी दे रही है और फिर उसी में पोछा लगाएगी, पौधों को पानी देंगे। और डेविड जो है खाना का बंदोबस्त कर रहा है, दाल चढ़ा रहा है, वैसे तो दाल है तो नहीं, मैं फ्री नहीं घूम रही अन्नू यार, मैं कपड़े धो रही हूँ। मेरे कपड़े धो रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे कपड़े धोने के लिए, तो ये मेरे लिए कपड़े धो रही है, मैं इसके लिए खाना बना रहा हूँ, बात बराबर। हाँ तो दाल थोड़ा सा कम पड़ता डेविड ने बोला, इसलिए थोड़ा और दाल चढ़ा रहा है। चावल तो अन्नू चढ़ाएगी ना, दाल डेविड बना रहा है अपने स्टाइल में और चावल अन्नू बनाएगी। तो घर में काम सफाई वफाई स्टार्ट हो चुकी है हमारी, तो जैसे भी होगा, संडे मंडे होगा या नहीं होगा वो तो पता नहीं, पर जो भी होगा हम आप लोग को दिखाएंगे व्लॉग में, क्योंकि आज व्लॉग में है डेविड जो आप लोग को बहुत पसंद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। यहाँ पे दाल बनते हुए पानी डाल दिया, जब तक मसाला पकेगा नहीं तो स्वाद कहाँ से आएगा, तो इसलिए पहले मसाला पकना इम्पोर्टेंट है। नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी है, तुम्हारे पास में जरूरी है, हमारे पास में इम्पोर्टेंट है ब्रो। ये गाइस मैंने मसाला ऐसा बनाया है कि तुम इसमें चिकन भी पका सकते हो मस्त, और दाल भी पका सकते हो, क्योंकि मेरा चिकन बनाने का तरीका और दाल बनाने का दाल बनाने का तरीका सेम होता है, सेम ही हो गया है, मसाले वाली दाल पसंद है भाई साहब को, दूसरा मजा आ जाएगा। दीदी रोटी लाए, बूंदी बूंदी ले तो आई, मेरा बूट मिला वो ले आई, अब ये भी नहीं मिलता तब जाता ना फिर लेने के लिए। मैं ये डेविड की स्पेशल दाल। गाइस यार मैं बहुत एक चीज से कंफ्यूज हूँ कि मैं हमेशा दाल बनाता हूँ, आज खुद से डाउट में रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं, मेरा अभी तक गूगल करके भी सर्च किया, गूगल करके सर्च करता हूँ मुझे पता चल जाता, ये झाग क्यों होते हैं साइड में, ये दाल के झाग ऐसे क्यों बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये जहर है जैसा लगता है। वो पानी बॉयल होता है ठीक है, एक तो पानी बॉयल होता है उसका होता है, ऊपर से हमने मसाला डाला होता है वो भी होता है, दाल भी उबलती है, तो झाग तो बनेगा ही ना। गाइस आप लोग बताना, डिटर्जेंट आप लोग से पूछा है, मोमो से नहीं पूछा था, आप बीच में ना बोले प्लीज, आप अरे गाइस आपकी मेरी और आपकी बात हो रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं चाहता हूँ कि एक कमेंट से नहीं दो कमेंट से रिप्लाई करना, जिसकी मुझे अच्छे समझ में आए कि हाँ ऐसे होता है। क्या खुश नसीबी देख रहे हैं हम आपकी, बीच में जैसे दाना आता है ना वो खुश नसीब होता है। कल मैंने डेविड से पूछा था तुम्हारे बीच में दाना आ गया है ठीक है, डेविड उस समय पानी पी रहा था, इसने बोला कि खुश नसीबी को होता है ये दाना पानी पीते भाई देख। और इस बंदे ने क्या किया, मैं कुछ तेज मतलब मैं आराम से हंस रही थी, मेरे मुंह पे इसने पानी फेंका एकदम, खुश नसीबी वाला दाना देख रही थी ना, हमें आज तक नहीं हुआ। जो माथा होता है ना यहाँ पे तिलक लगता है, तिलक किस लिए लगता है, हम भगवान के द्वार पर जाते हैं तो परमानेंट तिलक। चलो चलो चलो, जो भागा है ना डेविड ये गायों को प्रसाद खिलाने वाला है, और जो कि दूसरी बारी लाया था उसको फेंका है, ये देखो खिलाने वाला था, ये दूसरा प्रसाद है जो पापा ने इसको दिया होगा, ये रखे रखे सड़ गया। मैं चाहती हूँ तुम डांट खाओ ऐसी हरकतों पे। अरे नहीं गाइस क्या हो, मेरे दिमाग से निकल गया, एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते कोई भी, तो मुझे पापा माफ करना, अगर ब्लॉग देख रहे हो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है प्लीज, सामने आए तो गाली ना देना, क्यों मेरे पापा पूरा ब्लॉग देखते हैं, निकाल देते हैं वो, हमारा घर तो तूने सड़ाया है ना, ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम सिर्फ डांट खाना, पापड़ बनाते बनाते हल्का सा हाथ जल गया मेरा, देखो कॉलगेट लगाया मेरे हाथों पे, ओ वाह मेरे कपड़े धो रही है यार,
कौन कहता है कि मेरे वो काम नहीं करती यार, मेहनत करती है ये, बहुत मेहनती लड़की है। देखो मेरे वाइट कपड़े सारे ये धो रही है। खाना तुमने बनाया, कपड़े मैंने धोए, अन्नू ने सफाई की है। अब हम आराम से हाँ। बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, मैच देखेंगे या ऊनो खेलेंगे। सॉरी मोमेंटेंस का मैच है आज। हाँ मैंने कहा ड्रीम इलेवन में टीम बनाई है, तो यार मैं देखूंगा, क्या पता मेरी लॉटरी लग जाए। आप लोगों की दुआ से, दुआ करना कि आप लोग मेरी लॉटरी वॉटरी लग जाए और मैं एक बार में करोड़पति बन जाऊँ। आप लोग तो चाहते हो। हाँ खाना खाओ उसका, नहीं आराम से नहीं नहीं हो जल्दी खाना, साथ में खाएंगे भाई। जल्दी जल्दी धो ले, धो ले जल्दी। दाल चावल डेविड ने बनाए, पापड़, आज सब डेविड के हाथ का खाना है। ये खा के देखेंगे, दाल बहुत अच्छी लग रही है ना। और ये आए थे डेविड के लिए बूंदी और रायता, ताकि डेविड खाना खाए। और बेचारे के हाथ में भी लग गया, वो पापड़ सेक रहा था, पिन्नी चिपक गई कढ़ाई में, उसे हटाने के चक्कर पे अपनी उंगली चिपका बैठा कढ़ाई में चिपक गई ना ऐसे यूं करके। तो अब हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर सब लोग आप लोग को बताएंगे कैसा बना है खाना। और कपड़े भी ऑलमोस्ट भी अच्छा ही होगा, खुशबू अच्छी आ रही है। तो रात के बज रहे हैं 2, देख सकते हो। और रात के 2 बजे हम क्या कर रहे हैं, देखो खाना तो हमने खाया ही था पर भूख लग रही थी, इसलिए हमने अन्नू को बोला है ना। और अन्नू अच्छी है इतनी कि उसे खाने के लिए बोलो तो ले आती है। डेविड भाई अच्छा लग रहा है, चिली पटेटो गरम गरम है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है, पंखा भी चला देती हूँ। तो उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे, फिलहाल वो सो गई है। मैंने उसको बोला था स्पाइसी बनाना, स्पाइसी है। चिली पटेटो देखने में भी अच्छा लग रहा है, इस चिली नहीं आया, एक मिनट आ जाए थोड़ा, एक चिली तो दिखा दो। ये रहा चिली पटेटो, इसमें चिली पटेटो तो नहीं है, मिर्ची जरूर आई है, देखना ध्यान से देखो मिर्ची आई है। तो ये हम खा लेते हैं और आप लोग को सुबह मिलते हैं डेविड के साथ। ये डेविड का ब्लॉग है और ये डेविड ब्लॉग बना ही नहीं रहा था, मेरे को बनाना पड़ा, मुझे ये एडिट करना पड़ रहा है। मेरे मुँह बहुत अच्छे हैं ना, हार्ड वर्क है इसलिए। अच्छा लग रहे हो, क्या बात है, अच्छा लग रहे हो, निखार कैसे आ जाते हैं तुम्हारे शक्ल पे अचानक से। भाई मैं अच्छा हूँ, मेरा कैमरा खराब हो गया। चलो बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों। The next day. Hey guys, good morning आप सही लोगों को। अभी सो के उठा, जस चेहरे से देख सकते हो और मुँह अंदर सो रही है, मैं तो स्मूथ हो गया। तो ऐसा भी आप लोग जैसे काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि हम लोग ब्लॉग क्यों डालते हैं, कंटिन्यू ब्लॉग हम लोग इसलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि मोमो जॉब करती है, वो फ्री रहती नहीं है। जब जब वो फ्री रहती है वो ट्राई करती है कि ब्लॉग बना के अपलोड करे, और मेरे पास तो फिलहाल फ़ोन ही नहीं है कि मैं ब्लॉग कैसे अपलोड करूँ, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा है। बट जल्दी से मैं फ़ोन ले लूँ अच्छा सा और फिर से ब्लॉग स्टार्ट करो। बट जब तक के लिए आप सब लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, हम लोग मिलेगा इससे बनवा लो गाइस, बनवा लो सारी चादर बनवा लो। एंड ये ब्लॉग को हम एंड करते हैं, एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पे नाम आ रहा है मोमो डेविड का इंस्टा का, जाके फॉलो कर सकते हो और हम सबसे बात कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।